प्रिय विद्यार्थियों, आज हम राजनीति विज्ञान में व्यवहारवादी उपागम के विकास एवं इसकी मूल मान्यताओं के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। द्वितीय महायुद्ध के पश्चात परंपरागत राजनीति विज्ञान के विरोध में एक व्यापक क्रांति हुई, जिसने सभी समाज विज्ञानों को प्रभावित किया। इस क्रांति को ही व्यवहारवाद का नाम दिया जाता है। यह व्यवहारवादी क्रांति नए राजनीति विज्ञान के साथ इतनी अधिक जुड़ी हुई है कि इसे राजनीति के वैज्ञानिक अध्ययन का सहचर कहा जा सकता है। व्यवहारवाद के प्रमुख प्रणेता डेविड ईस्टन रहे हैं और उनका कहना है कि व्यवहारवाद वास्तविक व्यक्ति पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। व्यवहारवाद के अध्ययन की इकाई मानव का ऐसा व्यवहार है जिसका प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा पर्यवेक्षण, मापन और सत्यापन किया जा सकता है। व्यवहारवाद राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन से राजनीति की संरचनाओं, प्रक्रियाओं आदि के बारे में वैज्ञानिक व्याख्याएँ विकसित करना चाहता है। रॉबर्ट एडेल का व्यवहारवाद के संदर्भ में विचार है कि व्यवहारवादी क्रांति राजनीति विज्ञान में एक ऐसा विरोधी आंदोलन है जिससे अनेक राजनीति वैज्ञानिक, विशेषकर अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिक संबंधित हैं। परंपरागत राजनीति विज्ञान से जो असंतुष्ट हैं और यह राजनीतिक विज्ञान के विभिन्न उपागमों जैसे ऐतिहासिक, दार्शनिक, विश्लेषणात्मक, संस्थात्मक आदि के विरुद्ध प्रतिक्रिया है। यह मानता है कि कतिपय नवीन पद्धतियों को और उपकरणों का विकास करके राजनीति विज्ञान को अधिक वैज्ञानिक बनाया जा सकता है। इसका उद्देश्य प्रशासन संबंधी घटनाओं को मनुष्य के ऐसे व्यवहार के रूप में प्रस्तुत करना है जिसका पर्यवेक्षण कर लिया गया हो या जिसका पर्यवेक्षण किया जा सकता हो। वस्तुतः व्यवहारवाद विषय के आनुभावनिक भाविक तत्वों को अधिक वैज्ञानिक बनाने का प्रयत्न है। यह एक ऐसा उपागम है जिसका उद्देश्य राजनीतिक जीवन के आनुभाविक पक्ष को ऐसी प्रणालियों, सिद्धांतों और कसौटियों के द्वारा जो आधुनिक आनुभाविक विज्ञान के अधिनियमों, अभिसमयों और अभिग्रहों को पूरा करती हो को स्पष्ट करना है। व्यवहारवाद की उत्पत्ति का जो मूल कारण रहा वो यह था कि परंपरागत राजनीति विज्ञान की जो पद्धतियाँ थीं, जैसे हमने पूर्व में भी कहा, जो ऐतिहासिक हैं, दार्शनिक हैं, विवरणात्मक हैं, इनके विरुद्ध प्रतिक्रिया है। उनका राजवैज्ञानिकों का मानना है कि शासन के नीति निर्माण एवं उसके निर्माण स्तर पर राजनीतिज्ञों एवं राजनेताओं को तो सम्मानजनक स्थान दिया जाता है, जैसा कि द्वितीय महायुद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया। परंतु राजनीति विज्ञान के विद्वानों ज्ञान कौशल के अनुभव की उपेक्षा की गई, जिससे कि उनमें निराशा उत्पन्न हुई। दूसरा, राजवैज्ञानिकों ने यह भी अनुभव किया कि उनके अध्ययन का विषय सैद्धांतिक पक्ष से ही संबंधित हो गया है, जो कि पर्याप्त विश्वसनीय नहीं हो सकता। इसलिए यथार्थ शासन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण अंतर एवं विषमता को पाया गया। तीसरा, दोनों महायुद्धों के बीच के काल में फासीवादी और नाजीवादी, प्रजातिवादी एवं एकाधिकारी प्रवृत्तियों के उदय, विकास एवं लोकप्रियता के कारणों के विश्वसनीय तर्क का निदान परंपरागत पद्धतियों से संभव नहीं था। चौथा, राजनीति विज्ञान के निरंतरता एवं विकास एवं लोकप्रियता के बाद भी विषय का अध्ययन पद्धति, जो मूलतः वर्णात्मक शैली की थी, को अपर्याप्त माना गया, जिससे जिस दार्शनिक जो विषय को अधिक वैज्ञानिक बनाने के प्रयास में व्यवहारवादी उपागम का विकास हुआ। इसी प्रकार अन्य समाज विज्ञानों जैसे कि मनोविज्ञान है, समाजशास्त्र है, अर्थशास्त्र है, इनमें नई विकसित पद्धतियों को, खोजों को, दृष्टिकोणों का विकास हुआ और राजवैज्ञानिकों ने यह महसूस किया कि हमारे विषय राजनीति विज्ञान में भी इन पद्धतियों का, दृष्टिकोणों का विकास होना चाहिए। इस तरह से राजनीति विज्ञान को अधिक वैज्ञानिक बनाने के दृष्टिकोण से व्यवहारवादी आंदोलन का विकास हुआ। जैसा कि मैंने पूर्व में बताया कि व्यवहारवादी उपागम
का जो मुख्य प्रणेता थे वो डेविड ईस्टन थे। उन्होंने व्यवहारवाद की मूल जो मान्यताएं आठ बताई हैं, आठ मूल मान्यताएं बताई हैं, और उन्होंने इसमें बताया है कि व्यवहारवाद आज बहुत अधिक प्रचलित और व्यापक हो गया है, किंतु इसके अर्थ के संबंध में दृष्टिकोण समान नहीं है। इसीलिए किर्कपैट्रिक ने व्यवहारवाद के स्वरूप का स्पष्ट और विशदता के साथ विवेचन किया है। उनके अनुसार इसकी जो है विशेषताएं हैं वो हैं कि व्यवहारवाद इस बात पर बल देता है कि शोध कार्य में विश्लेषण की मौलिक इकाएं संस्थाएं न होकर व्यक्ति होना चाहिए। यह समाज विज्ञानों को व्यवहारवादी विज्ञानों के रूप में देखता है और राजनीति विज्ञान की अन्य समाज विज्ञानों के साथ एकता पर बल देता है, यानी अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण पर बल देता है। अंतर अनुशासनात्मक यानी कि जो राजनीति विज्ञान का अध्ययन अन्य समाज विज्ञानों के संदर्भ में किया जाना चाहिए। यह तथ्यों के पर्यवेक्षण, वर्गीकरण और मापन के लिए अधिक परिशुद्ध प्रविधियों के विकास और उपयोग पर बल देता है, और यह राजनीति विज्ञान के लक्ष्य को एक व्यवस्थित आनुभाविक सिद्धांत के रूप में परिभाषित करता है। डेविड ईस्टन ने अपने लेख द करेंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरलिज्म में व्यवहारवाद के आधार एवं लक्ष्यों को इस प्रकार प्रस्तुत किया है। पहला है नियमन। नियमन यानी वेरिफिकेशन, कि व्यवहारवादी मानते हैं कि राजनीतिक व्यवहार में सामान्य तत्व ढूंढे जा सकते हैं। उन्हें राजनीतिक व्यवहार के सामान्यकरणों एवं सिद्धांतों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, और इनके आधार पर मानवीय व्यवहार की व्याख्या और भविष्य के लिए संभावनाएं व्यक्त कर सकते हैं। दूसरा है सत्यापन। मानवीय व्यवहार के संदर्भ में एकत्रित सामग्री को दोबारा जांचने और उसकी पुष्टि करने की प्रक्रिया को सत्यापन कहते हैं। सत्यापन की यह प्रक्रिया व्यवहारवादी अध्ययन पद्धति की एक विशेषता है। इसके अंतर्गत एकत्रित सामग्री की जांच एवं सत्यापन किया जा सकता है। तीसरा है तकनीकी का प्रयोग। आधार सामग्री प्राप्त करने एवं उसकी व्याख्या करने के साधनों को स्वयं सिद्ध नहीं माना जा सकता, वे समस्यात्मक होते हैं, इसलिए उन्हें सावधानी से शुद्ध और परिशुद्ध करने की आवश्यकता है। मानवीय व्यवहार का परीक्षण करने और उसकी विश्लेषण के परिणामों को अंकित करने के लिए कठोर शुद्धिकरण के साधनों को अपनाया जाना चाहिए। परिशुद्धरण की प्रक्रिया ज्ञान को अधिक विकासशीलता प्रदान करती है, और इसके आधार पर नए तथ्य प्राप्त किए जाने पर पुराने सामग्री को अप्रमाणित किया जा सकता है। पांचवा है परिमाणवीकरण यानी क्वांटिफिकेशन। उपलब्धियों के विवरण तथा आधार सामग्री को लेखबद्ध करने तथा उसमें स्पष्टता लाने के लिए मापन और परिमाणवीकरण का कार्य किया जाना चाहिए। मापन और परिमाणवीकरण का यह कार्य उनके अपने लिए नहीं वरन अन्य प्रयोजनों के संदर्भ में किया जाना चाहिए। पांचवा है मूल्य निर्धारण व आदर्श निर्माण। व्यवहारवादी मूल्यों की दृष्टि से तटस्थ रहना चाहते हैं, फिर भी कुछ नैतिक मूल्यांकन के मूल्य और आदर्शों का प्रतिपादन और प्रयोग आवश्यक हो जाता है। इस संदर्भ में अपनाए गए मूल्य व आदर्शों को अध्ययनकर्ता के मूल्य व आदर्शों से अलग रखना चाहिए, और सामान्य मूल्य व आदर्श अध्ययनकर्ता के मूल्य व आदर्शों से अप्रभावित रहने चाहिए। व्यवस्थीकरण। अनुसंधान आवश्यक रूप से क्रमबद्ध होना चाहिए, अर्थात सिद्धांत व अनुसंधान को संबद्ध और क्रमबद्ध ज्ञान के दो ऐसे भाग माना जाना चाहिए जो परस्पर गुथे हुए हों। सिद्धांत से अशिक्षित अनुसंधान निरर्थक हो सकता है, और आंकड़ों से असमर्थित सिद्धांत निरर्थक रहेगा। तो इस प्रकार सिद्धांत और तथ्य एक दूसरे से अपृथकनीय है। सातवा है विशुद्ध ज्ञान यानी ज्ञान का प्रयोग वैज्ञानिक उद्यम का भी उतना ही अंग है जितना कि सिद्धांतात्मक बोध का। लेकिन राजनीतिक व्यवहार का जो हम बोध करते हैं वो एक ऐसा आधार प्रदान करता है जिसके बल पर समाज की महत्वपूर्ण व्यवहारिक समस्याओं को सुलझाया जा सकता है। समग्रता
व्यवहारवादियों की एक प्रमुख मान्यता यह है कि मानव का समस्त व्यवहार एक पूर्ण इकाई है और उसका अध्ययन खंडों में नहीं वरन समग्र रूप से ही होना चाहिए। तो इस तरह से राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन जीवन के अन्य पक्षों के संदर्भ में ही किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार व्यवहारवाद के डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद की ये 8 मूल मान्यताएँ बताई हैं। व्यवहारवादी जो उपागम है वह राजनीति विज्ञान में एक नया जो है आंदोलन एक नई दिशा प्रदान की, किंतु इसकी आलोचना भी हुई क्योंकि इसमें अत्यधिक शब्दाडंबर के कारण जो है राजनीति विज्ञान की जो आत्मा है वो कुंठित हो गई। और उनका मानना आलोचकों का मानना है कि राजनीतिक व्यवहार की धारणा भी जो है वो गलत है, क्योंकि हम मनुष्य का व्यवहार एक मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसका व्यवहार प्रतिपल बदलता रहता है। इसलिए मानवीय व्यवहार के संदर्भ में हम इस प्रकार की भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि अमुक परिस्थिति में उसका व्यवहार इस प्रकार का रहेगा। राजनीति विज्ञान विशुद्ध विज्ञान नहीं है, जैसे कि क्योंकि यह एक समाज विज्ञान है और अन्य जो विज्ञानों की तरह इसमें वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग संभव नहीं है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होने के नाते उसका पूरी तरह मूल्य निरपेक्षता भी उसके द्वारा संभव नहीं है। कोई भी अनुसंधान करे वह मूल्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आ ही जाते हैं। और राजनीति विज्ञान में लाखों करोड़ों रुपए वैज्ञानिक अनुसंधान के नाम पर खर्च किए गए, यदि यह धनराशि मानवता के कल्याण के लिए की जाती तो यह ज़्यादा उपयोगी होती। तो इस प्रकार व्यवहारवाद की अनेक आलोचनाएं की जाती हैं, परंतु हम इस आलोचना के बाद भी हम यह कह सकते हैं कि यह एक राजनीति विज्ञान को एक वैज्ञानिक अध्ययन बनाने की ओर एक प्रयास था। यह राजनीति शास्त्र के निर्माण में व्यवहारवाद की भूमिका उल्लेखनीय है। यद्यपि व्यवहारवादी अपनी नई शोध प्रणालियों के आधार पर उन उद्देश्यों को प्राप्त करने में सर्वथा असफल रहे जिनका प्राप्त करने का लक्ष्य किया गया था, परंतु जैसे कि प्रोफेसर एसपी वर्मा का कहना था कि इन सब कमियों के बावजूद व्यवहारवादियों ने राजनीति विज्ञान को उसकी गहरी तंद्रा से जगा दिया और उसमें शोध के लिए नवीन आयामों को खोजा और नवीन तकनीकों का विकास किया। तो इस प्रकार व्यवहारवादी उपागम राजनीति विज्ञान का एक महत्वपूर्ण उपागम माना जाता है, जिसने राजनीति विज्ञान में नवीन पद्धतियों प्रणालियों के अध्ययन पर जोर दिया।